दोस्तों वैसे तो आपने बहुत से एरोप्लेन्स को देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे बड़े एरोप्लेन्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंटोनोव AN-225 मारिया। दोस्तों ये है दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्गो प्लेन। इसकी लंबाई 290 फीट है, जिसके बहुत बड़े होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लगभग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इतना बड़ा है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था और तब इसका इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। और इसके अलावा इससे और भी जहाजों और बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसके आगे का हिस्सा खुलकर पर चला जाता था और इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स को लोड कर दिया जाता था। इस एरोप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिस वजह से ये एक बार में 640 मेट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इसमें टोटल 32 टायर्स हैं, जिसमें से 14 जोड़ी पीछे और 2 जोड़ी टायर्स आगे लगे हुए हैं। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की तो ये 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। एंटोनोव AN-125 रुसलान। दोस्तों इस एरोप्लेन को 1880 के दौर में यूक्रेन में हैवी ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बताया जाता है। ये एरोप्लेन 226 फीट लंबा और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट है। इस एरोप्लेन में 4 टर्बोजेट इंजन लगे होने की वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक बार में 405 मेट्रिक टन वजन को लेकर उड़ सकता है। इससे ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके वेपन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। C-5M सुपर गैलेक्सी। दोस्तों ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, इसे US की एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए 1960 के दौर में बनाया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बताया जाता है। इसमें 4 हाई पावर इंजन लगे होने की वजह से ये एक बार में 381 मेट्रिक टन वजन को लेकर उड़ सकता है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की तो वो 247 फीट है और दोनों विंग्स को मिलाकर लंबाई 222 फीट है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर खाना पहुंचाने के लिए भी इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बोइंग 777-9X। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सफिशियंट ट्विन इंजन 3E-9X को लगाया गया है। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। इस एरोप्लेन में लगे विंग्स बोइंग द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे बड़े विंग्स हैं। इसमें सभी तरह के क्लासेस मौजूद हैं, पर इस एरोप्लेन का साइज काफी बड़ा होने की वजह से इसके बिजनेस क्लास में ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है और इस एरोप्लेन में 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एरोस्पेस लाइन सुपर गुप्पी। दोस्तों इस तरह की डिजाइन का एरोप्लेन आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इसे नासा ने 1965 के समय में बनाया था। इसका ऐसा डिजाइन बनाने की वजह यह थी कि जब एरोप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसमें रखा जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट में उसको रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए नासा ने इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इस एरोप्लेन को ऑकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की लंबाई की तो वो 141 फीट है। स्ट्रेटो लॉन्च। दोस्तों अब इस यूनिक तरह के एयरक्राफ्ट को देखिए। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसे ऐसा क्यों बनाया गया और इसका काम क्या है। तो आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च इन सभी में किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को अप्रैल 2019 में बनाया गया। ये एरोप्लेन किसी भी रॉकेट या एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसके विंग्स की लंबाई 384 फीट है। इन विंग्स के बहुत बड़े होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके विंग्स किसी फुटबॉल मैच के मैदान के इतने बड़े हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।